ओके, आज हमारी दूसरी क्लास है प्रोग्रामिंग की, जो हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल। इससे पहले जो कल हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने स्टेटमेंट के बारे में कि हम कैसे एक सिंगल स्टेटमेंट डेवलपमेंट सी प्लस प्लस के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी लास्ट क्लास जो है वो कुछ इस तरह की थी कि जिसमें हमने सीखा था कि किस तरह एक सिंपल स्ट्रिंग्स को आउटपुट ले सकते हैं, न्यू लाइन कैसे ले सकते हैं, और इंटीजर नंबर को डायरेक्टली कैसे आउटपुट ले सकते हैं, और एक लाइन पे दो स्टेटमेंट कैसे दिखा सकते हैं। इसको रन करने के लिए मैंने बताया था कि अलग अलग बटन है, कंपाइल अलग कर सकते हैं, रन अलग कर सकते हैं, और दोनों काम एक साथ करने हो तो F11 से कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इसके हम दूसरा क्लास है, तो हम इसको पहले क्लोज कर देते हैं और एक न्यू फाइल ले लेते हैं। और उसको सेव करने के लिए पहले हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं बुनियादी। तो उसमें लिख देते हैं IO स्ट्रिंग, तो यहाँ पे जाके लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD, और यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं इंटीजर मेन, और यहाँ पे लिख देते हैं हम इसके आगे दो ब्रैकेट्स, और यहाँ पे लाके इसको एंटर कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम, और उसके आगे लिखेंगे कमांड पास, जिससे हमारा सिस्टम थोड़ी देर के लिए पास हो जाएगा जब तक कि हम कोई बटन ना दबाएं, और रिटर्न जीरो, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो रिटर्न जीरो के पहले आउट ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास का नाम रख देते हैं रॉयल क्लास 02 वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, ये हमारी फाइल सोर्स फाइल हमारी सेव हो गई। इसे हम कौन सी फाइल कहते हैं? सोर्स फाइल। उबैदुल्ला कौन सी फाइल कहते हैं? सोर्स फाइल। जिसमें प्रोग्रामर कोड करता है वो सोर्स फाइल है, और जो यहाँ से एग्जीक्यूशन में चला के देखते हैं उसको हम कौन सी फाइल कहते हैं? इस फाइल को कौन सी फाइल कहेंगे? एग्जीक्यूटेबल फाइल। कौन सी फाइल कहेंगे? और यही हमारी सॉफ्टवेयर फाइल होती है जो यूजर चलाता है। तो अभी हमारी टेस्ट कर लिया, बाहर आ गए इससे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेरिएबल होता क्या है, तो उसके लिए हम समझने के लिए नीचे आ गए और हमने यहाँ पे पढ़ा वेरिएबल के बारे में। तो कह रहा है कि देखिए, वेरिएबल इज एलिमेंट विच इज यूज इज एन एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, इसका काम है डेटा को स्टोर करना, और ये कंप्यूटर की मेमोरी में बनेगा, और इसका जो डेटा है वो चेंज हो सकता है प्रोग्राम चलने के दौरान, और ये एक वक्त में एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है। यानी कि ए अगर इसके अंदर 10 है, तो 10 के जगह अगर आप 20 लिखेंगे तो 10 को लॉस करेगा और 20 को स्टोर करेगा। एक वक्त में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब डेटा की बुनियादी हालत कितनी होती है? बुनियादी तौर पर डेटा हमें तीन हालतों में पाया जाता है। फ्लैक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर बिफोर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड डेटा। वह अल्फाबेटिक फॉर्म में पाया जाता है, न्यूमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में जा सकता है। मतलब अल्फाबेटिक फॉर्म से मतलब क्या है? किसी का नाम होगा, कोई पैराग्राफ होगा, कोई स्टेरी होगी, तो वो सारा अल्फाबेटिक फॉर्म में डेटा है। ऐसे डेटा को हम कहते हैं स्ट्रिंग। न्यूमेरिक डेटा है मतलब जो कोई नंबर होगा, क्वांटिटी होगी, प्राइस होगी, रेट होंगे, तो या कोई डिस्टेंस होगा, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज। फिर तीसरी टाइप है अल्फाबेट न्यूमेरिक, मतलब कंसिस्टिंग ऑफ लेटर एंड नंबर, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, मॉडल नंबर, ABC, इस तरह का कोई डेटा होगा तो उसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो बुनियादी तौर पर तीन हालतों में हमें डेटा मिलता है। अब जो इस तरह का डेटा है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, और जो इस तरह का डेटा है उसको हम कहते हैं इंटीजर, ठीक है, नंबर्स। और यहां पर ये जो इस तरह का डेटा है ये भी स्ट्रिंग्स में ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब वेरिएबल के बारे में आपने सुन तो लिया, तो वेरिएबल कितने किस्म के होते हैं? भाई जितने किस्म का डेटा होगा उतने किस्म के वेरिएबल होंगे। तो वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुताबिक एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है, डबल टाइप का वेरिएबल होता है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल होता है। एक अच्छी बात ये कि तीनों टाइप के वेरिएबल नंबर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर नंबर की भी मुख्तलिफ शक्लें हैं, जैसे कि बगैर पॉइंट वाली वैल्यू होल नंबर जो अशारिये से पाक हो उसे इंटीजर वेरिएबल के उसके उसको हम इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उन्हें हम कहते हैं होल नंबर। डबल टाइप का वेरिएबल ऐसी रकमें जो पॉइंट वाली रकमें हो, अशारिया वाली रकमें, जिसको हम इस्तेमाल फ्रैक्शन नंबर्स वैल्यूज कहते हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज कहते हैं। फ्लोट ऐसी टाइप के नंबर को स्टोर करता है। अब इन दोनों में सेम डेटा स्टोर करते हैं पॉइंट वाली वैल्यूज, लेकिन में फर्क क्या है? फर्क ये है, ये 32-36 डिजिट तक के डेटा को 38 डिजिट तक के डेटा को स्टोर कर सकता है, और ये 14-16 डिजिट के डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर चार सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल, यानी कि सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि स्ट्रिंग पूरे पूरे वर्ड्स, फ्रेज, पैराग्राफ्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आज हम सीखेंगे इंटीजर वेरिएबल के बारे में कि इंटीजर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे इसके अंदर वैल्यू असाइन होती है, कैसे इसके अंदर प्लस माइनस किया जाता है, और कैसे इसका आउटपुट लिया जाता है। सही है, तो इंटीजर वेरिएबल के बारे में ये कि ये नंबर स्टोर, यानी कि होल नंबर स्टोर कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब
वेरिएबल को कैसे रखा जाए, तो देखिए वेरिएबल का जो नाम है उसको रखने का तरीका यह है, उसका नाम रखने का तरीका यह है कि नाम स्टार्ट होना चाहिए किसी भी लेटर से, ए टू जेड लेटर में से किसी से भी स्टार्ट होना चाहिए, और फिर बगैर स्पेस के नाम होना चाहिए, और फिर विदाउट इस सिंबल के वो नाम होना चाहिए। हाँ, एक सिंबल यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर, और फिर शुड नॉट बी कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, और वो कोई कमांड का हिस्सा नहीं होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है। और नाम उसका यूनिक होना चाहिए, मतलब एक वेरिएबल का नाम दूसरे वेरिएबल से मुख्तलिफ होना चाहिए, ठीक है। ये इसके कुछ बेसिक गाइडलाइन है। चले शुरू करते हैं कि इंटीजर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे आईएनटी लिखा और एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया प्राइस के नाम से, सेमी कॉलन लगा के स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। इस स्टेटमेंट को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब वेरिएबल बनाना। तो ये कब बनेगा, जब प्रोग्राम चलेगा तो वेरिएबल बन जाएगा मेमोरी के अंदर, और इसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर। प्रोग्रामर का दिमाग ये काम करता है कि अगर इंटीजर लिखा है इसका मतलब ये होल नंबर स्टोर कर सकता है, और यही चीज मैंने आपको सिखाई इसके अंदर। दूसरा वेरिएबल कैसे बनाएंगे, अच्छा दूसरे से पहले इसके अंदर वैल्यू कैसे बिठाएंगे, इसके अंदर कोई वैल्यू कैसे सेट करेंगे, तो यही स्पेलिंग सेम लिखेंगे और इस आगे लगाएंगे इस निशान को क्या कहते हैं। देखिए इस निशान को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो निशान है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका काम है कि राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल पर सेट करेगा। अब ये क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर एक असाइन डाल रहे हैं वैल्यू जैसे 2500 और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ये दो लाइनिंग स्टेटमेंट हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट में वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, जब बन जाएगा तो उसके अंदर एक वैल्यू सेट कर देगा 2500। इसको जरा सेंट्रल आइडिया से समझते हैं। जैसे अब आप अपना प्रोग्राम चलाएंगे तो मेमोरी के अंदर इस तरह का ब्लॉक बनेगा और उसके ऊपर उसका नाम रख देगा वो सपोज टू बी प्राइस, और जब अगली लाइन पे पहुंचेगा तो उसके अंदर एक वैल्यू टाइप कर देगा 2500। तो ये काम इस तरह से परफॉर्म होगा, लेकिन ये सारा काम मेमोरी में होगा, स्क्रीन पर नहीं होगा, ठीक है। अब आप प्रोग्राम को चला के देखें तो प्रोग्राम जैसे ही चला तो ये काम दोनों हो गए, लेकिन प्रोग्राम पे इसका आउटपुट कुछ भी नहीं है क्योंकि आउट आपने कराया नहीं। अब तीसरी स्टेटमेंट में देखेंगे कि वेरिएबल की वैल्यू को आउट कैसे करते हैं। तो अगली लाइन पे हम एक और काउंट लिख देंगे सी आउट लेस देन लेस देन। देखिए स्ट्रिंग वैल्यूज को दिखाने के लिए डबल कोटेशन में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जबकि वेरिएबल की वैल्यू को दिखाने के आपको वेरिएबल का नाम लिखना होगा। जब वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे जो आपने डिक्लेयर किया था, जिसमें असाइन किया था, जब यहाँ पे लिखेंगे तो जब प्रोग्राम चलेगा तो वेरिएबल का नाम नहीं दिखाएगा बल्कि उसकी क्या दिखाएगा, वैल्यू दिखाएगा। तो अब स्क्रीन पे देखें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2500 वैल्यू दिखाई दे रही है। ये स्टेटमेंट इसके साथ इसलिए आ रही है क्योंकि बीच में न्यू लाइन नहीं है, तो एक न्यू लाइन देने के लिए हम यहां पर लिख देते हैं सी आउट लेस देन एंड लाइन, ताकि वो अब अगली लाइन पे सिस्टम पाउस की कमांड को दिखाए और 2500 पर नजर आ रहा है। अब यूजर जब देखेगा 2500, उसको क्या पता है 2500 क्या है, तो उसको दिखाने के लिए एक मैसेज लिखना पड़ेगा। वो मैसेज हम पहले लिखेंगे सी आउट लेस देन डबल कोट रिटेल प्राइस। ये एक हमने स्ट्रिंग डेटा लिख दिया इसके अंदर, यानी कि कॉन्स्टेंट डेटा है, स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल नहीं है, ये स्ट्रिंग्स हैं और ये इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। इनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट कैरेक्टर, कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे ही आप चलेंगे इस प्रोग्राम को तो ये देखिए लिखा रहा है रिटेल प्राइस और आगे क्या लिखा रहा है 2500। अब यूजर को समझ में आ जाएगा ये प्राइस है भाई 2500 रुपए, ये मैसेज है और ये वेरिएबल की वैल्यू है। ये डायरेक्ट कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग्स हैं और ये वेरिएबल की वैल्यू है। कैसे देखें, कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग को चेंज करने के लिए आपको यहां से मिटाना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा, जबकि वेरिएबल में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप उसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे, बाकी प्रोग्राम उसको खुद ही ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेगा, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा वेरिएबल बनाना है क्वांटिटी के नाम से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे इंटीजर करेंगे, क्यू एन डी वाई के नाम से एक वेरिएबल बनाया, क्यू एन डी वाई के अंदर एक वैल्यू बिठा दी 12 और उसका भी आउटपुट बना दिया सी आउट लेस देन और यहाँ पे हमने लिख दिया क्वांटिटी। और फिर इससे पहले हमने एक न्यू लाइन भी ले लिया ताकि नीचे वाला लाइन जो है वो अगली लाइन में दिखाई दे क्वांटिटी, और उसके आगे कॉलन लगा दिया। अब क्वांटिटी की वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए हमें यहाँ सेमी कॉलन लगाना है और सी आउट लिख के यहाँ पे क्यू एन टी वाई वेरिएबल का नाम लिखना है, और सेम फंक्शन जो ऊपर किया था वही नीचे परफॉर्म किया, तो क्वांटिटी के आगे 12 नजर आ रहा है आपको। अब हमें बनाना है इनके दरमियान में एक प्रोसेस, मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी तो बनेगा प्रोडक्ट सम। कैसे करेंगे इसको, तो एक और वेरिएबल चाहिए होगा क्योंकि इनके वजूद में एक नई वैल्यू आएगी, तो इंटीजर टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाया। टोटल से हमने कहा टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने आपको बताया था कि असाइन ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे अप्लाई करता है। यहां पर राइट साइड पे हम कोई नंबर नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो हमने पहले बनाया था एस्टरिक साइन, जो कि मल्टीप्लाई का काम करता है, और दूसरे वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हमने दूसरे नंबर पे बनाया था। अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल तो होंगे मल्टीप्लाई, लेकिन ये कैरेक्टर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे बल्कि इनकी वैल्यू आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो लगाएंगे वो होगा और आंसर किसके अंदर चला जाएगा टोटल, जो कि एक नई चीज आएगी। अब इसका आउटपुट बनाने के लिए हमने फिर से लिखा न्यू लाइन, और न्यू लाइन लिख के फिर यहाँ पे हमने लिया सी आउट लेस देन और टोटल वाले वेरिएबल का आउटपुट लेने के लिए पहले हमने यहाँ पे लिखा टोटल अमाउंट, और अमाउंट लिखने के बाद कॉलन लगाया, और फिर यहीं पे लेस देन लिख के एक शॉर्टकट में मैंने टोटल वाले वेरिएबल का आउटपुट भी यहीं पे ले लिया,
यहाँ से रन किया एप्लीकेशन को कंपाइल करके, तो ये देखिए दोनों का आउटपुट आपके सामने आ गया। अब इस छोटे से एप्लीकेशन में ये हो सकता है कि आप इसमें जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देखें, फॉर एग्जांपल 4500 कर दें और सपोज इसको 24 कर दें और फिर प्रोग्राम को F11 से कंपाइल एंड रन करें, तो देखें ऑटोमेटिकली आउटपुट आपका प्रोग्राम खुद ही अपडेट करता रहेगा। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखा कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे उसके अंदर वैल्यू असाइन की जाती है इंटीजर वेरिएबल के अंदर, और कैसे उसका स्ट्रिंग का आउटपुट लिया जाता है, कैसे वेरिएबल की वैल्यू का आउटपुट लिया जाता है। फिर हमने देखा कि हमने दो वेरिएबल के दरमियान में एक लॉजिक बनाई जिसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया और तीसरे वेरिएबल के अंदर कैसे डेटा को स्टोर कराया और फिर उसका हमने आउटपुट ले लिया। ठीक है,